श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर अपनी सौतेली बहनों यानी कि जानवी कपूर और खुशी कपूर का पूरा ख्याल रख रहे हैं। साथ ही साथ अर्जुन की बहन अंशुला भी जानवी और खुशी का ख्याल रखती हैं। लेकिन इसी बीच अर्जुन कपूर एक बार फिर से इमोशनल हो गए हैं। अपनी माँ को याद कर अर्जुन हो गए हैं भावुक। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर श्रीदेवी के निधन के बाद बोनी कपूर और अपनी सौतेली बहनों के काफी करीब आ गए। हर मौके पर बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। लेकिन इसी बीच अर्जुन कपूर अपनी मां मोना कपूर को याद करते हुए इमोशनल हो गए। जी हां, अर्जुन ने अपनी मां मोना कपूर को उनकी बरसी पर याद करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके साथ एक तस्वीर शेयर की है और साथ ही लिखा है एक मैसेज। अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करते हुए जो इमोशनल लेटर लिखा है उसमें अर्जुन कहते हैं, मैं आज पटियाला में शूटिंग कर रहा हूँ, काश मैं आपको फोटो भेज कर ये बता पाता कि ये लोकेशन कितनी खूबसूरत है। माँ, आप मेरी फिल्मों को देखने के लिए मेरे साथ रेड कार्पेट पर नहीं चल सकती। यकीन नहीं होता कि 6 साल हो गए। पिछले 6 सालों में आप हमेशा मेरे साथ रहीं और मेरी 9 फिल्मों की साथी भी रहीं। इतना ही नहीं, अर्जुन ने अपनी बहन का जिक्र करते हुए भी लिखा, हमें नहीं पता हम लाइफ में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा जो सिखाया है हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तो इस तरीके से अर्जुन कपूर एक बार फिर से इमोशनल हो गए हैं अपनी माँ को याद करते हुए। आपको बताते चलें कि बोनी कपूर की पहली पत्नी और अर्जुन कपूर की मां मोना कपूर का 25 मार्च 2012 को निधन हो गया था। उस वक्त अर्जुन कपूर की फिल्म इश्क ज़ादे रिलीज होने वाली थी। लेकिन हाल ही में श्रीदेवी के निधन के बाद अर्जुन कपूर अपने पिता बोनी कपूर और अपनी सौतेली बहनों जानवी और खुशी का काफी ख्याल रख रहे हैं, घर के बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।